एक भारत श्रेष्ठ भारत नारे कंपिला आदि महोत्सव आदिवासी परंपरा पलटि नुआ भारत उत्सव भारत विविधता इंद्रधनु भली अनेक रंगर समाहार भारत एवं सबका साथ सबका विकास मार्ग से अग्रसर भगवान बिरसा मुंडा को मिली उचित सम्मान मोदी लक्ष्य बढ़िबो आदिवासी मान दिल्लीर मेजर ध्यानचंद जातीय स्टेडियम रे सर्वप्रथम आदिवासी महोत्सव उद्घाटन करछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एहि अवसर रे मोदी आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी बिरसा मुंडा को प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य अर्पण करि बिरसा मुंडा को वीरत्वर गाथा मने पकाइछन्ति। एहि अवसर रे प्रधानमंत्री कहिछन्ति भारतर अनेकता एवं भव्यता कांधरे कांध मिलाई एका संगरे छिडा होछन्ति। आदिवासी को पई आदि महोत्सव भली कार्यक्रम देश पई एक अभियान पलटिछि सेपरि आदिवासी को हित तांको व्यक्तिगत संपर्क एवं भावनार विषय बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। 21वीं सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। प्रथम थरपाई विभिन्न राज्य में आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी को पाई स्वतंत्र म्यूजियम खोला जाउछि। अतीतर से लुकायित समृद्ध इतिहास को अमृत काल में देश सम्मुख में रखा को प्रतिज्ञाबद्ध भारत सरकार देशर मुक्ति युद्ध में जनजाति समाज अवदान को दशंधि दशंधि धरी परदा पछरे लुचाई दिया जायथिला। हेले एबे आदिवासी को समृद्ध इतिहास दुनिया सामना को आसुछि। आदिवासी को सबुठारो बड़ उपहार नुआ शिक्षा नीति अनुसार निज निज मातृभाषा पढ़वार विकल्प सेपरि बजेट पारंपरिक कारीगर को विश्वकर्मा योजना शुभारंभ पर घोषणा करछन्ति भारत सरकार। ए योजना अंतर्गत पारंपरिक कारीगर को आर्थिक सहायता सह स्किल ट्रेनिंग दिजिव। आज भारत दुनिया बड़ बड़ मंच में आदिवासी परंपरा को निज गौरव भाव प्रस्तुत करता है। भारत विविधता एवं यार महानता एकत्रित हो आज यार परंपरा को आलोकित करमंत्री से आहरी एकविंश शताब्दी नूतन भारत सबका साथ सबका विकास मार्ग अग्रसर। आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने जनजातीय युवाओं के स्किल को बढ़ाने पर भी है। इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पीएम विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होने वाला है। भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। आदि महोत्सव में 28 राज्य और केन्द्र शासित अंचल 1000 आदिवासी कलाकार अंशग्रहण कर 27 तारीख जाए चल उत्सव आदिवासी परंपरा सह जड़ित संस्कृति हस्तशिल्प वाणिज्य एवं पारंपरिक कला को एक स्वतंत्र प्लाटफर्म प्रदान कर आदिवासी उत्पादगुड़ी प्रोत्साहन देवा यह उत्सव प्रमुख लक्ष्य। यह महोत्सव में 17 राज्य तथा केन्द्र शासित अंचल 39 बंधन विकास केन्द्र अंशग्रहण कर 200 अधिक स्टल प्रदर्शित। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।